उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, सर आज एमएलसी पद पर प्रत्याशियों ने नामांकन किया है जी। हमारी पार्टी ने 11 प्रत्याशियों का नामांकन कराया है, एक हमारे सहयोगी दल 10 भारतीय जनता पार्टी के। हमने 3 सूत्री फार्मूले पर काम किया। एक तो जिन्होंने हमारे लिए त्याग किया था उनको शत प्रतिशत उनको सम्मान दिया, जो हमारी पार्टी का गुण है कि जिससे जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। भरोसेमंद पार्टी का जो हमारा जनता के बीच में छवि है उसको और पुख्ता किया। साथ में वर्षों से पार्टी के लिए दिन रात अपना समय देके काम करने वाले कार्यकर्ताओं का तथा समाज की जिन शक्तियों ने हमारी पार्टी को ताकत दी है उन सबका समायोजन किया गया है। और ये सभी हमारे एमएलसीज मोदी जी के सपनों का भारत बनाने में, अमित शाह की योजनाओं पर निरंतर गांव गरीबों में कस्बों में सभी जगह काम करेंगे और जनता का दिल जीतेंगे, सच्चे अर्थों में जनसेवा करेंगे। एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि आप यूपी संगठन के मुखिया हैं, जो और ऐसे तमाम काम करने वाले कार्यकर्ता रह गए हैं जिनकी चर्चाएं थी कि ये एमएलसी होंगे इस बार, चाहे वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी हो या फिर और जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी एक विस्तृत बड़े विशाल समूह की कार्यकर्ताओं की पार्टी है। पार्टी में किसी को छोड़ा नहीं जाता है, यथा अवसर सबका समायोजन होता है, आगे भी होगा। तौर पर संकेत जी, जब पार्टी कोई निर्णय लेती है तो उसमें जनता की सेवा और आगामी चुनावी चुनौतियां तो स्वाभाविक हैं। और 2019 हम भारी मतों के साथ जीतेंगे। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी। इनका कहना है कि सभी कार्यकर्ताओं का समायोजन होगा और 2019 बड़े अंतर से जीतेंगे। कैमरामैन मिन्हाज के साथ संकेत मिश्रा, समाचार प्लस, लखनऊ। वहीं समाचार प्लस पर मोहसिन रजा की एक्सक्लूसिव बातचीत, पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। मोहसिन रजा ने कहा, पार्टी की नीतियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाएगा, सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे, अपने संकल्प को पूरा करती है बीजेपी, सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम हो रहा है, आगे भी किया जाएगा।